एक फीमेल डॉग और एक फीमेल एलिफेंट दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सो, वो दोनों साथ में ही प्रेग्नेंट हो गए दोनों। अब हुआ कुछ यूं कि 3 महीने बाद ही फीमेल डॉग ने 6 बच्चे दे दिए, फीमेल एलिफेंट ने कुछ नहीं दिया। फिर 6 महीने बाद उसी फीमेल डॉग ने 12-13 बच्चे और दे दिए। फिर 6 महीने बाद उसने 6-7 बच्चे और दे दिए। सो इस तरह से 2 साल के अंदर उस फीमेल डॉग ने कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे पैदा कर दिए, लेकिन उस फीमेल एलिफेंट ने कुछ पैदा नहीं किया। सो, वो फीमेल डॉग जाती है अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास, फीमेल एलिफेंट के पास, पूछती है कि भाई तू सीरियसली प्रेग्नेंट है क्या? 2 साल में मैंने यहां पर 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे दे दिए, तेरा 1 बच्चा नहीं निकला, तो सही में प्रेग्नेंट है क्या? उसके बाद जो फीमेल एलिफेंट ने जवाब दिया, वो जवाब सब कंपैरिजन करने वालों को सुनना चाहिए। उस फीमेल एलिफेंट ने उस फीमेल डॉग को कहा, देख आज मैं तुझे एक बात बताती हूं जो तुझे जानने की जरूरत है। तो उसने बोला क्या? तो फीमेल एलिफेंट कहती है कि इस पेट में जो बच्चा है ना, वो पपी नहीं है। जब ये पैदा होगा ना और अर्थ पे गिरेगा, धरती फील करेगी उसको। जब मेरा बच्चा निकलेगा ना, लोग रिस्पेक्ट करेंगे, रास्ता छोड़ेंगे। हाथी पैदा हो रहा है, पपी नहीं। और जब हाथी पैदा करते हैं, वक्त लगता है। मतलब समझिए, मतलब यह है कि जिस वक्त आपके पास कोई आए, अरे मेरा तो जेई में होगा, तेरा क्या हुआ? अरे शर्मा जी के लड़के का जेई में होगा, तेरा क्या हुआ? अरे वर्मा जी के लड़के का नीट में होगा, तेरा क्या हुआ? उनको बोलना, हाथी का बच्चा पैदा कर रहा हूं, वक्त लगता है। समझिए, कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। आपका बच्चा, और अगर आप खुद सुन रहे हैं एज अ स्टूडेंट, आप यूनिक है, आप विनर है, आप चैंपियन है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर किसी के पास आपके जैसी कैपेबिलिटी नहीं है। सो, वक्त लगेगा, लेकिन अगर आपने अपने आप पे भरोसा रखा, आप चैंपियन की तरह बाहर निकलोगे। सो बिलीव इन योर सेल्फ। ये है मेरी कहानी। मैं हूं अरविंद अरोड़ा। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।